मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका क्या नेम है, वन एंड मेनी। वन एंड मेनी, तो हम वन का यूज कहाँ करते हैं? वन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ वस्तु वन होती है, वन एप्पल। और मेनी का यूज जहाँ एक से अधिक वस्तु होती है, एप्पल्स, मेनी एप्पल्स, वन एप्पल, मेनी एप्पल्स। ओके, तो एप्पल, वन एप्पल, वन एप्पल, मेनी एप्पल्स। एक से अधिक वस्तु के लिए मेनी का यूज किया जाता है और एक वस्तु के लिए वन का यूज किया जाता है। वन बुक, मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। वन बुक, मेनी बुक्स। वन रिंग, मेनी रिंग्स। वन रिंग, मेनी रिंग्स। वन लीफ, मेनी लीव्स। वन लीफ, मेनी लीव्स। वन डॉल, मेनी डॉल्स। वन डॉल, मेनी डॉल्स। वन पॉट, मेनी पॉट्स। वन ट्री, मेनी ट्रीज। ओके, तो एक वस्तु के लिए किसका यूज किया जाता है? वन का यूज किया जाता है। और एक से अधिक वस्तु के लिए मेनी का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? मेनी का यूज किया जाता है। एक वस्तु के लिए वन का यूज किया जाता है और एक से अधिक वस्तु के लिए मेनी का यूज किया जाता है। जैसे एक और अनेक, एक अनेक, वन एप्पल, मेनी एप्पल्स। तो मेनी, मेनी के साथ में किसका यूज करते हैं? हम एस का यूज करते हैं, जैसे एप्पल्स। बुक, बुक्स, वन बुक, मेनी बुक्स। वन रिंग, वन रिंग, मेनी रिंग्स। वन रिंग, मेनी रिंग्स। वन लीफ, मेनी लीव्स। वन डॉल, मेनी डॉल्स। वन पॉट, मेनी पॉट्स। वन ट्री, मेनी ट्रीज। ओके, तो एक वस्तु के लिए वन का यूज किया जाता है और एक से अधिक वस्तु के लिए मेनी का यूज किया जाता है। एक वस्तु के लिए वन का यूज किया जाता है और एक से अधिक वस्तु के लिए मेनी का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? मेनी का यूज किया जाता है। ओके, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मेनी का यूज कहाँ होता है और वन का यूज कहाँ होता है। ओके, एक वस्तु के लिए वन का होता है और अनेक वस्तु के लिए मेनी का यूज होता है। जैसे एक से अधिक वस्तु होती है, जैसे वन एप्पल, मेनी एप्पल्स। वन बुक, मेनी बुक्स। वन रिंग, मेनी रिंग्स। वन लीफ, मेनी लीव्स। वन डॉल, मेनी डॉल्स। वन ट्री, मेनी ट्रीज। ओके, ओके बच्चों, तो आपको इनको क्या करना है? इनको अच्छे से आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। और इनको क्या करना है? इनको बार बार रिपीट करना है। ओके, कि वन का यूज कहाँ होता है और मेनी का यूज कहाँ होता है, इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से क्या करना है? समझना है। ओके, तो इनको अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से आप समझोगे। ओके, ओके बच्चों, तो आज आप क्या पढ़ोगे? वन और मेनी का यूज पढ़ोगे। किसका यूज पढ़ोगे? वन का यूज कहाँ होता है और मेनी का यूज कहाँ होता है, इनको आप क्या करोगे?
अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।